राम नगर निगम में मेयर पद का चुनाव। मधु वर्मा को मेयर बनाया गया। मधु आजाद वार्ड नंबर 7 से पार्षद है। बता दें कि 35 वार्ड के चुनाव में 14 पार्षद बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे, तो वहीं निर्दलीय पार्षदों ने बीजेपी का दामन थामा था। अंबाला सेंट्रल जेल में कैद बाबा राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत के भाई भाभी ने गुरुवार को फिर करीब 20 मिनट तक उससे मुलाकात की। वह ब्रिजा कार से सेंट्रल जेल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हनीप्रीत को कुछ सामान भी दिया। बता दें कि डेरा चीफ की राजदार हनीप्रीत पर देशद्रोह का केस दर्ज है। उस पर 25 अगस्त को पंचकुला में दंगे भड़काने का आरोप है। इस संबंध में SIT ने हनीप्रीत को गिरफ्तार किया था। कैथल में नशा तस्कर रैकेट का पर्दाफाश। पंजाब के रहने वाले 3 स्मगलर चढ़े पुलिस के हत्थे। 23 लाख रुपए का डोडा पोस्ता किया बरामद। पुलिस के मुताबिक आरोपी मध्य प्रदेश से नशे की खेप खरीदकर इस्माइलाबाद के नजदीक गांव कुम्हार माजरा में लेकर जा रहे थे। इस दौरान एक तस्कर मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हुआ, जिसकी पहचान कर ली गयी है। पुलिस ने तीनों आरोपियों की कोर्ट से 5 दिन की रिमांड हासिल कर ली है। आरोपियों से पूछताछ में जुटी है पुलिस। सिरसा में नेशनल हाईवे नंबर 9 पर पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात। I-20 गाड़ी पर सवार होकर आए 5 लुटेरे पंप से करीब 2 लाख रुपए की राशि, एक लैपटॉप और 2 मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। बता दें कि 3 दिन पहले नेशनल हाईवे नंबर 9 पर ही एक पेट्रोल पंप पर देर रात 4 अज्ञात नकाबपोश हथियारबंद लुटेरों ने पेट्रोल पंप के कारिंदों पर हमला बोलकर 60,000 की नकदी लूटकर फरार हो गए थे। दोनों घटनाएं CCTV में कैद है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। हालांकि पुलिस लगातार ये दावा कर रही है कि इन लुटेरों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। इन घटनाओं से हाईवे पर बने पेट्रोल पंप मालिकों में भय बना हुआ है। नागरिक अस्पतालों को हाईटेक बनाने और सुरक्षा के मद्देनजर अब CCTV कैमरे लगाए गए हैं। सिरसा के नागरिक अस्पताल में 70 कैमरे लगाए गए हैं, जिनका कंट्रोल रूम ट्रॉमा सेंटर में बनाया गया है, जहां से पूरे अस्पताल को मॉनिटर किया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अक्सर डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं, साथ ही अस्पतालों में बच्चा गुम होने की खबरें आती थी, जिसके चलते ये कैमरे लगाए गए हैं। अस्पतालों में लगे इन कैमरों को लेकर आम नागरिक का कहना है कि ये योजना बहुत ही अच्छी है। डॉक्टर्स अब इन कैमरों की नजर में रहेंगे, कोई भी गलत काम नहीं हो सकेगा। साथ ही लोगों ने इन कैमरों को महिला सुरक्षा के लिए वरदान बताया।